नमस्कार दोस्तों, एशियन नेट हिंदी के हेल्थ कैप्सूल में मैं डाइटिशियन विनीता मेवाड़ा आज आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि के दौरान हम कौन से आहार ना लें, क्योंकि अगर ऐसे आहार जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो आप लेते रहेंगे तो आपका शरीर भी बीमार हो सकता है, आपको कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है और हो सकता है आपके फास्ट में किसी भी प्रकार की रुकावट हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो बहुत ही रिलीजियस 9 दिन होते हैं, फास्ट वाले 9 दिन होते हैं और ये हमें सीधे ईश्वर से जोड़े करते हैं। तो इस दौरान जो नहीं लेना है वो सबसे पहली चीज है, इस दौरान हम नहीं लेते हैं वो होता है नॉनवेज यानी कि मांसा आहार। तो आप ध्यान रखेंगे नवरात्रि के दौरान जो आप ना लें वो होगा मांसा आहार, जिसमें आप फिश, चिकन, एग वगैरह जो भी चीजें होती है उनका इस्तेमाल ना करें। साथ ही आप जो ध्यान रखेंगे वो रहेगा कि आपको ऑयली फूड का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयली फूड जो नॉर्मल व्यक्ति जो फास्ट रख रहे हैं वो भी, और जो फास्ट नहीं रख रहे हैं वो भी, वो ऑयली फूड का इस्तेमाल ना करें। अब ऑयली फूड में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आपके पूरी, पराठे, साथ ही आपका समोसा, कचौरी, चिप्स या फिर ऐसा डीप फ्राइड आइटम जैसे पकोड़े होते हैं, आपके भजिए होते हैं और आपकी समोसा कचौरी वाली चीजें होती हैं जो कि डीप फ्राई करके बनाई जाती हैं, उनका इस्तेमाल ना करें, आपको इंडाइजेशन भी हो सकता है। साथ ही ध्यान रखना है कि आप मीठे में जैसे जितनी भी मिठाइयाँ होती है, जैसे कि स्पेशली आपके मावे की जो मिठाइयाँ होती है उनका इस्तेमाल आप ना करें, गुलाब जामुन वगैरह होते हैं, जलेबी वगैरह होते हैं, इनका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये व्रत में खाई भी नहीं जाती और साथ में अगर आपने खा ली है तो उससे आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है। और साथ ही आप ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ऐसे तरल पदार्थ जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक से बने होते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी कोक होते हैं, पेप्सी होते हैं जो कि मीठे में भी आते हैं, पर उनका इस्तेमाल आप ना करें, सोडे का इस्तेमाल आप ना करें, उससे भी आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर आप फास्ट किए हुए हैं और फास्ट करने के तुरंत साथ ही आपने अगर सोडे का इस्तेमाल किया है तो उससे आपके स्टमक में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल आप ना करें। साथ ही आप इन चीजों का भी ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड जो कि व्रत के दौरान बनाए जाते हैं, जैसे कि साबूदाने को बहुत ज्यादा ऑयली करके बनाया जाता है, उसके पकोड़े तले जाते हैं, उसकी टिक्की बनाई जाती है, उसको डीप फ्राई करके बनाया जाता है और सिंघारे के आटे की पूड़ियां बनाई जाती हैं, तो इनका इस्तेमाल आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जहाँ टिक्की डीप फ्राई करके बनाई जा रही है उसको डीप फ्राई में ना लेते हुए आप उसको सेक करके यानी शैलो फ्राई करके बना सकते हैं, पूरी ना बनाते हुए उसकी रोटी सेकी जा सकती है, जिससे कि आप उसको खाएं, आपको एनर्जी भी मिले पर आपको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि डीप फ्राई यदि खाएंगे तो हो सकता है आपको इंडाइजेशन की समस्या ज्यादा बन सकती है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।